वो तुम्हारे दिल को दर्द दे सकती है, दिमाग को नहीं। What the fuck? पेन रिसेप्टर्स। सो बेसिकली हमारे पूरी बॉडी में हर जगह पेन रिसेप्टर्स है, मोस्टली हमारे जो एपिडर्मल लेयर है यानी कि स्किन पे। अब अगर आपको कहीं पे चोट लगती है, लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन फर्स्ट। अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो आपके हाथ में जो पेन रिसेप्टर्स है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक एक इंपल्स पहुंचाता है। आपके ब्रेन में एक रिले न्यूरॉन होता है जो कि प्रोसेस करता है कि वो हार्मफुल है कि नहीं आपकी बॉडी के लिए। देन मोटर न्यूरॉन से संदेश वापस उस एसोसिएटेड मसल तक पहुंचता है जिसकी वजह से आप अपना हाथ पीछे पुल बैक करते हो, राइट। दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब पेन इन्वॉल्व्स सम पेन रिसेप्टर्स, यानी कि दर्द को महसूस करने के लिए आपको पेन रिसेप्टर्स होने की ज़रूरत है। और ये पाया गया है कि हमारा जो ब्रेन है, ऑल द ब्रेन फील्स ऑल द पेन बट ब्रेन इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पेन रिसेप्टर्स, राइट। सो बेसिकली अगर कोई हेड सर्जरी होती है तो उसमें आपके दिमाग में कभी दर्द नहीं होता। सो बेसिकली जब आप कट लगाते हो अपने दिमाग में, जब डॉक्टर्स कट लगाते हैं, सो आपके स्कैल्प की स्किन में और आपके जो स्कल के बोन्स हैं उनमें आपको दर्द होता है बिकॉज वहाँ पर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, बट ब्रेन में एक्चुअल में कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। एंड दैट्स with the fact for today. So that was it for today, guys. If you like this video, then don't forget to give this video a big thumbs up and also click on the subscribe button for more such videos. Also, हर बार की तरह इस बार भी अगर आपने Temporal The Genesis नहीं देखी तो go and watch Temporal The Genesis. उसमें बहुत सारे Easter eggs हैं for future movies. It's a science fiction movie from our side जिसका first part हमने निकाला और second part आने वाला है. So go and watch Temporal The Genesis and do comment on it. And yeah, see you next time. Baby,